हेलो विक्रम, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल 9 डेज का टारगेट, ठीक है। और ये वीडियो सेम 3 स्टूडेंट्स के लिए है, एंड इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम, बोथ मीडियम। ये देख सकते हो वीडियो। रीजन ये कि यहाँ पे कोई सम नहीं करवा रहा मैं, ना कोई एक्सप्लेनेशन है। और एक्सप्लेनेशन मतलब मैं जो टारगेट दे रहा हूँ आपको इन हिंदी लैंग्वेज दे रहा हूँ, तो ये गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम बहुत देख सकते हैं, क्लियर। तो टोटल ये टारगेट रहेगा आपका 9 डेज का। अब ये टारगेट में सबसे पहले तो ये जो स्टार्ट कर रहा है ना, वो पहले सोच ले कि मैं 9 डेज ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर आपने टारगेट स्टार्ट किया और 3 टू 4 डेज के बाद आपने स्टॉप कर दिया, तो आपने जो अभी 3 टू 4 डेज आपने जो भी किया वो सब पानी में जाने वाला है। तो अगर आप कर पाओगे तो ही ये टारगेट उठाना, वरना नहीं करना। और दूसरी चीज, ये टारगेट 9 डेज का है, तो शुरुआत में जब हम ये 9 डेज देख रहे हैं तो काफी कम लग सकते हैं, और काफियों को तो ये इतना भी ज्यादा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये ज्यादा ही है, ठीक है। 9 डेज एक साथ टारगेट करना, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास पेशेंस है, जिनके पास पेशेंस है और जो प्रोसेस में बिलीव करते हैं, मतलब कि उन्हें पता है वो जो कर रहे हैं और आगे जाके उनको हेल्प मिलेगी। अब क्या होता है कि जब हम कोई सम करने बैठते हैं तो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं कि या ये वाला सम आएगा या नहीं आएगा, ओके। और उसके बाद वो सम हम स्किप कर देते हैं, वापस सोचते हैं कि ये नहीं आएगा, फिर दूसरा सम उठाते हैं। ऐसे ऐसे करके काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं हम अपने माइंड में ही। तो क्या करते हो लोग, मतलब थिंकिंग में ही टाइम चला जाता है कि ये करेंगे, कल करेंगे, या इतना करेंगे, उतना करेंगे। तो जस्ट वहां पे स्टॉप हो जाओ, और जस्ट अगर कंफ्यूज हो तो ये 9 डेज का टारगेट आराम से देख लो, आपको 9 डेज करना क्या है। अगर आपने ये 9 डेज जो मैं आपको आज बोलूंगा और आपने कर दिया, तो गारंटीड आपका इंटरनल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 9 डेज में 100% कोर्स तो कवर होता नहीं है, सिलेक्टेड स्टडी कवर होती है। क्या होती है? सिलेक्टेड स्टडी कवर होती है, मतलब मैं जो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और काफी हेल्पफुल रहता है, क्लियर। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि मैं 9 डेज का टारगेट देने वाला हूँ आपको, और वो ये 9 डेज का टारगेट आपको अच्छे से क्लियर करना है। और अगर आप क्लियर कर लेते हो तो गारंटीड आपका इंटरनल क्लियर हो जाएगा। और ये 9 डेज का टारगेट, अब मैं जो टाइम टेबल बताऊंगा वो आप कर लेना, ये टारगेट स्टार्ट होगा 5 अक्टूबर से, ठीक है। मींस के कल कल आप ये वीडियो देख लोगे तो आप 5 अक्टूबर से स्टार्ट करना, और टोटल 9 डेज, मतलब 5, 6, 7, ये 3 डेज हुआ, 7, 8, 9 ये 3 डेज हुआ, और 10, 11, 12 ये 3 डेज हुआ, मतलब 5 अक्टूबर से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ओके, तो आपका 12 अक्टूबर तक पूरा क्लियर हो सकता है ये आपके 9 डेज का टारगेट। तो इंटरनल एग्जाम भी आपकी 15 तारीख को है, तो इट मीन्स आपका ये 9 डेज टारगेट है वो इंटरनल से पहले तो क्लियर हो जाएगा। और अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्लियर। तो ये अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, अगर टारगेट स्टार्ट करने का, ठीक है, टारगेट स्टार्ट करने का पेशेंस है आपको कि मैं 9 डेज टारगेट आराम से अचीव कर लूंगा, उसके बाद आपको थोड़ी मेहनत दिखानी पड़ेगी, आपका बीच में कॉन्फिडेंट लो होगा, वो कॉन्फिडेंट हाई भी रखना पड़ेगा, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं, मैं यहाँ पे 5 अक्टूबर से डे, मतलब डे वन से स्टार्ट करता हूँ। मीन्स के कल आपने ये वीडियो देख लिया और आपका डे वन आता है, तो डे वन पे क्या करना है आपको, ठीक है। डे वन पे आपको क्या करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो डे वन पे, दिस इज अ डे वन, डे वन पे आपको उठाना है चैप्टर, पहले तो सब्जेक्ट बता दो, टैक्सेशन सब्जेक्ट आपको उठाना है, और टैक्सेशन सब्जेक्ट को आपको 3 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। अब 3 डेज में सारे के सारे जो आपके चैप्टर्स है वो कवर नहीं होने वाले, जस्ट 3 डेज में मैं आपको एक रेजिडेंशियल स्टेटस वो उठाने की सलाह देता हूँ, और दूसरा आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये दोनों चैप्टर जो है आपको करने हैं इन 3 डेज,
क्लियर। अब कैसे करना है, सबसे पहले डे वन पे आ जाते हैं। तो डे वन पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस उठाना है। डे वन पे आप उठाओगे रेजिडेंशियल स्टेटस, ये आपका डे वन है। अब डे वन पे क्या करना है आपको, टोटल मैंने रेलवे स्टेशन, सॉरी मैंने तीन वीडियोस रेजिडेंशियल स्टेटस के अपलोड की है। कितने, तीन वीडियोस। और वो अगर वीडियोस की बात करूं तो 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है रेजिडेंशियल स्टेटस की। अब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और आपको सिर्फ तीन वीडियोस देखनी है जो कि 1.5-2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, 2 घंटे से भी कम का टाइम है, तो वो आप पहले देख लो। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, बेस क्लियर हो जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रेजिडेंशियल स्टेटस में है क्या, क्योंकि ये तीन वीडियो में मैंने अच्छे से इंट्रोडक्शन करवा के रखा है। ठीक है, तो डे वन यहाँ पे आ जाते हैं। डे वन पे आपको क्या करना है, ऑल थ्री वीडियोस जो मैंने अपलोड की है, ठीक है, वो आपको देखनी है। तो ये आपने देख लिया 1-2 घंटे में। अब क्या करना है आपको, अब आपको ऑल इलस्ट्रेशंस, सारे इलस्ट्रेशंस आपको करने हैं। और सब इलस्ट्रेशन की करने की अगर मैं टाइम लिमिट कहूँ तो 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर्स। अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर कोई इलस्ट्रेशन उठाओगे ना तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट। जैसे जैसे आप इलस्ट्रेशन कंटिन्यू करते रहोगे ना तो बाकी के जो आगे वाले इलस्ट्रेशन है वो जल्दी सोल्व होते जाएंगे। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग का टाइम होता है ना, जो बोलते हैं इंसेप्शन जो रहता है, शुरुआत, वो कठिन रहती है। तो बस शुरुआत के 2-3 इलस्ट्रेशन आपको ऐसा लगेगा कि यार ये नया नया कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर आप ट्राई करोगे ना तो अगर आपसे 2-3 इलस्ट्रेशन सोल्व हो जाएंगे ना तो बाकी आगे के सारे हो जाएंगे। क्लियर, तो सबके सब इलस्ट्रेशन आपको करने हैं। क्लियर, उसके बाद जैसे ही आप 2 आवर्स में इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो, आपको सम नंबर, मैं यहाँ पे आपको सम नंबर लिखा रहा हूं, सम नंबर 4, 5, 8 और 7, 11, 12, 15। अब यहाँ पे ऑप्शन है, या तो आप इलस्ट्रेशन करो या तो आप सम करो। मेरी अगर एडवाइस मैं दू तो आप यहाँ पे सम कर लो, और इलस्ट्रेशन और सम, पहले आपने सम कर दिया ना, ये सम का नोट बना लेना। क्या बना दोगे, नोट्स बना देना, और ये नोट्स और इलस्ट्रेशन एग्जाम के एक दिन पहले देख लेना। क्लियर, तो ये पूरा का पूरा डे वन का टारगेट आपका 3-4 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे जो जॉब जाते हैं वो भी 3-4 आवर्स तो आराम से निकाल सकते हैं, 2 आवर्स मॉर्निंग में, 2 आवर्स नाइट में। क्या करो, जैसे कि आज 5 तारीख को आपने वीडियो देख लिया तो 6 तारीख को मॉर्निंग को 2 घंटा पहले मेरी वीडियो देख लो, और रात को आके 2 घंटा ये सारे जो आपको सम दे रहा हूं मैं, 4, 5, 8 और 7, 11, 12, 15, वो आप रात को बैठ के कर लेना। क्लियर, तो हमारा डे वन का टारगेट कंप्लीट होता है और डे वन पे हमने रेजिडेंशियल स्टेटस को क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं डे टू टारगेट पे। अब डे टू टारगेट है, क्लियर, ये 2 दिन चलेगा, मतलब ये जो टारगेट रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो 2 दिन टारगेट चलेगा, डे टू पे चलेगा और डे थ्री पे चलेगा, और 3 दिन में हमारा टैक्सेशन क्लियर हो जाएगा। क्लियर, 3 दिन में हमारा टैक्सेशन क्लियर हो जाएगा। आपको रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये दोनों चैप्टर 3 दिन में कंप्लीट करने हैं। क्लियर, आपका इंटरनल क्लियर हो जाएगा। बाकी बचता है एमसीक्यू और बाकी बचते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, वो आप बुक के जितने भी आपको चैप्टर दे रहे हैं उनके आप कर लेना, उसी में से ही पूछे जाएंगे। क्लियर, तो डे टू को आपको क्या करना है, डे टू को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं डे टू। डे टू पे हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मेरी वीडियोस हो ही होगी, टोटल हाउस प्रॉपर्टी के भी 3 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं और बहुत ही डेप्थ के साथ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। वहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये सिर्फ 1.5 से लेके 2 आवर्स के बीच में कंप्लीटली हाउस प्रॉपर्टी का दिमाग में आपके घुस जाएगा कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको सम नंबर 29, 31, 28, 18 और 9, ये आपको डे टू पे करना है। उसके बाद डे थ्री पे आप क्या करोगे, ये आपने 5 सम किए, टोटल 6 से लेके 7 सम आप और एडिशनल कर देना अपने हिसाब से।
जो आपको लगते हैं कि ये सम थोड़ा कठिन लग रहा है या हार्ड लग रहा है, वो आप 6 या 7 सम, 6 से 7 सम आप डे 3 पे कंप्लीट करोगे। मतलब डे 2 पे आपको क्या करना है, हाउस प्रॉपर्टी के 3 लेक्चर मेरे देख लेने, और आपको ये 5 सम कर लेने हैं। वापस मैं आपको कह रहा हूँ, जो जॉब करते हैं वो मॉर्निंग में ये लेक्चर देख लो मेरा, और शाम को आके ये 5 सम कर लो। वैसे ही सेकंड थर्ड डे पे आप 3 सम सुबह कर लो और 3 सम शाम को कर लो, आपका डे 3 का भी टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमने 3 दिन में टैक्सेशन के ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए, और इंटरनल एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगी आपकी टैक्सेशन में, क्लियर, ये मेरी गारंटी। अब हम आएंगे डे 4 पे, तो टैक्सेशन कंप्लीट हो चुका, अब हम आएंगे डे 4 पे न्यू सब्जेक्ट के साथ, और अब देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 1, ठीक है, फर्स्ट वाला तो हमें करना नहीं है, मटेरियल अकाउंट, मटेरियल अकाउंट। तो डे 4 पे जैसे ही आप आ जाते हो तो आपका चैप्टर, आपका टारगेट आता है डे 4 का टारगेट मटेरियल अकाउंट 1, और मैंने मटेरियल अकाउंट 1 में 7 वीडियोस अपलोड किए हैं। कितने? 7 वीडियोस अपलोड किए हैं, और वो सबके सब आप देख लो, और ये सातों के सात वीडियोस 2 से 3 ओवर्स तक के होंगे, ज्यादा नहीं, मेरे हिसाब से 2 ओवर्स भी नहीं होंगे, 2 ओवर्स के आजू बाजू होंगे, ये 7 वीडियो मिलाकर 2 से 3 ओवर्स होंगे, ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ 3 ओवर्स है। ये 7 वीडियो अगर आप देख लेते हो, और ये 7 वीडियो में जितने भी मैंने सम करवाए हैं वो आप कर लेते हो, तो आप मटेरियल अकाउंट में निकल गए, आराम से निकल जाओगे ये 7 वीडियो में। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम होता है तो आप और एडिशनल सम करना, लेकिन ये जो 7 वीडियो में मैंने सम करवाए ना वो बहुत है, उसमें से ही कोई सम आएगा, मतलब जो मैंने 7 करवा रहा हूँ उसी में से ही नहीं बोल रहा हूँ, उस तरह की बात कर रहा हूँ, बराबर, उस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में सम, ओके। और मेरी और एडवाइस रहेगी कि जैसे आप वीडियोस कंप्लीट कर लेते हो तो आप एडिशनल सम करने की जरूर ट्राई करना, और एडिशनल सम कुछ नहीं, 7 से 8 सम एडिशनल करने की ट्राई करना। अगर आपको पूछने कौन से 7 से 8 सम करने, अगर मुझसे पूछना है तो आप मुझे ये नंबर पे 9725714309 पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और रेगुलर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाओ, वहां पे भी रेगुलर अपडेट्स आती है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं वापस हमारे टारगेट पे, डे 4 का टारगेट क्या है हमारा, मटेरियल अकाउंट 1 उठाना है, और 7 के 7 वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं वो सबके सब देख लो, उसमें जितने सम मैंने करवाया है वो सारे कर लो, और टाइम बचता है तो आप एडिशनल सम कर देना। ये डे 4 का टारगेट हुआ, आपका मटेरियल अकाउंट चैप्टर कंप्लीट। अब हम आते हैं डे 5 टारगेट पे, ठीक है, डे 5 टारगेट पे हमें क्या करना है, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट लेबर पे। डायरेक्ट लेबर पे मैंने टोटल 4 वीडियो अपलोड किए हैं, उन 4 वीडियो को देखने के बाद फर्स्ट आप 4 वीडियो देखना, फिर सब आप इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लो, जितने भी इलस्ट्रेशंस आपको दिए गए हैं वो सबके सब इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लो। डे 5 में आपका डायरेक्ट लेबर का चैप्टर जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, और ये सब मिलकर 2 से 3 घंटे का काम है। 4 वीडियो तो मेरे हिसाब से 1 से 1.5 घंटे की होंगी, ठीक है, और सारे इलस्ट्रेशन आप आराम से रिवाइज भी रिवीजन भी कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन तो करने की जरूरत नहीं है, कौन सा आंसर कैसे आ रहा है वो हम देख सकते हैं, क्लियर। तो डे 5 का टारगेट क्या आ रहा है आपका, डायरेक्ट लेबर का चैप्टर का, जिसमें आप मेरे 4 वीडियो देखोगे सबसे पहले, उसके बाद जितने भी इलस्ट्रेशन वहां पे है वो कर देना, और ये 4 वीडियो में मैंने 4 सम भी करवाए, तो आपके और एडिशनल 4 सम भी हो रहे हैं, सो ये भी देखो। अब हम आते हैं डे 6 टारगेट पे, डे 6 टारगेट पे क्या करना है आपको, अकाउंट ऑफ ओवरहेड। तो अकाउंट ऑफ ओवरहेड के मैंने टोटल 5 वीडियोस अपलोड किए हैं, ठीक है, करंटली आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं तो मैंने टोटल 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन मुझे पता है अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो आई थिंक आप 8 से 9 सितंबर पे पहुंच गए हो, तब तक तो मैं और 2 वीडियो आराम से अपलोड कर लूंगा। मतलब आप तो यही गिन के चलो कि आप जब तक ये डे 6 पे आओगे तब तक आपको 5 वीडियो मिल जाएंगे, वो 5 के 5 वीडियोस आपको देख लेने हैं अच्छे से, 5 के 5 वीडियोस आपको अच्छे से अकाउंट ओवरहेड के देख लेने हैं, और उसके साथ आपको सारे के सारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर देने हैं, ठीक है। तो आपका डे 6 का टारगेट अकाउंट ओवरहेड कंप्लीट होता है, और आप इजीली अकाउंट ओवरहेड कंप्लीट कर लोगे। क्या करना है आपको, 5 वीडियो देखने हैं और साथ ही साथ आपको इलस्ट्रेशंस भी कंप्लीट करने हैं, क्लियर।
तो यहाँ पे आपका डे सिक्स का टारगेट भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं डे, अच्छा एक बार रिविज करा दूं, डे फोर को क्या करना है आपको, डे फोर को आपको मटेरियल अकाउंट उठाना है और मेरे सारे 7 वीडियोस देख लेने हैं, और साथ ही साथ आपको पास टाइम रहेगा मुझे पता है एडिशनल सब जरूर कर देना। अब हम आते हैं डे फाइव पे। डे फाइव पे मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट लेबर के 4 वीडियो देख लो, उसके बाद सारे इलस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पे डे फाइव का टारगेट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद डे सिक्स का टारगेट, डे सिक्स पे क्या करना है आपको, अकाउंट ओवरहेड उठाना है, मेरे 5 वीडियो देखने और सारे इलस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करने। ये हमारा डे सिक्स का टारगेट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं डे सेवन के टारगेट पे और न्यू चैप्टर। डे सेवन टारगेट हमारा कौन सा आएगा, न्यू सब्जेक्ट सॉरी, सातवां दिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसको आप लास्ट में उठाना, नाइन्थ डे जो मेरा लास्ट टारगेट है ना, इसको आप नाइन्थ डे पे उठाना, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। अभी आप डे सेवन पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स उठा दो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स उठा दो डे सेवन, और मुझे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर उठाना है। टोटल मैंने 10 सम करवाए यूट्यूब पे, 10 सम के वीडियो अपलोड किए, वो 10 के 10 सम आप देख लो और सबके सब इलस्ट्रेशंस कर लो, क्लियर। 10 सम कर लो और सबके सब इलस्ट्रेशन कर लो, आपका डे सेवन का टारगेट जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है वो इजीली 3 to 4 ओवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 3 to 4 ओवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। आपको 10 सम करने हैं, ओके, मतलब जो मैंने 10 सम डाले ना यूट्यूब पे, वो 10 सम का वीडियो देख लो और सबके सब इलस्ट्रेशन कर लो। उसके बाद हम आएंगे डे एट पे। डे एट पे आप आ जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मेरा इसमें एक ही वीडियो मैंने डाला है क्योंकि ये इनफ है, और इसमें मैंने आई थिंक ये वीडियो मेरा 40 मिनट्स तक जाता है, जिसमें मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है, क्लियर। वो देखने के बाद आप सब इलस्ट्रेशंस कर लेना, आपका इंटरनल एग्जाम क्लियर हो जाएगा प्रॉफिट प्रायर का आराम से, ठीक है। और एग्जाम में अगर सम सॉल्व नहीं होता तो ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपको आइटम्स पता है उसको डिवाइड करना है, वो डिवाइड करके आ जाना, जो नहीं हो रहा है वो छोड़ देना, बाकी जितना आपको डिवाइड करना आता है वो डिवाइड करके आना, क्लियर। स्टेप मार्किंग जरूर मिलने वाली है। अब हम आते हैं डे नाइन और लास्ट डे है हमारा, नाइन्थ डे गुडविल का चैप्टर। मैंने टोटल 21 वीडियोस अपलोड की है, टोटल 21 वीडियोस, वो 21 वीडियोस देख लो, आपका गुडविल का चैप्टर क्लियर, ना कोई इलस्ट्रेशन करने की जरूरत है ना कुछ नहीं। जो मैंने 21 वीडियोस अपलोड किए हैं वो 21 वीडियोस, एक बुक उठाकर बैठ जाना मेरे वीडियोस चालू करके और करते ही जाना वो वीडियो में जैसे जैसे साथ में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 9 डे का टारगेट कंप्लीट होता है। मैं वापस एक बार बताता हूँ, डे वन पे आपको क्या करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस उठाना है, मेरे 3 वीडियो देखने हैं और सारे इलस्ट्रेशन करने हैं, और साथ ही साथ आपको सम नंबर 4, 5, 8, 7, 11, 12 फिन करना है। डे टू पे क्या बोला मैंने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उठाना है, 3 लेक्चर मेरे वीडियोस देखने, उसके बाद सम नंबर 29, 31, 28, 18, 9 ये आपको डे टू पे करना है। और डे थ्री पे आप सेम चैप्टर रेजिडेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के और एक्स्ट्रा सम 6 से 7 करोगे, क्लियर। डे वन डे टू डे थ्री टैक्सेशन के लिए हो गया। अब डे 4, 5, 6 है वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आता है। डे 4 पे मटेरियल अकाउंट उठाना, जिसमें मैंने 7 वीडियोस अपलोड किए वो 7 वीडियोस आपको देखनी है, और उसके बाद एडिशनल सम भी आपको करने के रहते हैं। और डे 5 पे आपको डायरेक्ट लेबर उठाना है, जिसमें 4 वीडियो आप करोगे और सबके सब इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे। इस तरह से आपका डे 5 का भी कंप्लीट हो जाता है डायरेक्ट लेबर। और डे 6 को आप अकाउंट ओवरहेड उठाओगे, जिसमें मेरे 5 वीडियो जो मैंने अपलोड किए वो देखना आप, और सबके सब इलस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर देना। इस तरह से आपका डे 6, डे 4, 5, 6 पे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग भी क्लियर हो जाता। उसके बाद डे 7, 8, 9 पे आपको क्या करना है, डे 7 पे आपको शेयर्स वाला चैप्टर उठाना है, ठीक है। ये मैं कौन सा बात करूँ, बिजनेस अकाउंटिंग 3 का शेयर्स वाला चैप्टर उठाना है, जिसमें आपको 10 सब मैंने वीडियोस अपलोड किए वो आपको देखने और सारे के सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट करने हैं। अब डे 8 पे आते हैं, डे 8 पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर का मैंने एक लेक्चर अपलोड किया वो आप पहले देख लो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सारे इलस्ट्रेशंस कर देना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का चैप्टर आराम से निकल जाएगा इंटरनल में। और डे 9 को गुडविल का चैप्टर है, गुडविल के टोटल 21 सम्स मैंने अपलोड किए हैं वो आप अच्छे से देख लो, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा अच्छे से, क्लियर। तो यहाँ पे मेरा डे
9 days का टारगेट कंप्लीट होता है। आई होप कि अगर आप ये लेक्चर स्टार्ट मतलब टारगेट स्टार्ट करोगे और 9 days तक करोगे, आराम से आपका इंटरनल एग्जाम प्रैक्टिकल के ये तीनों सब्जेक्ट्स आराम से निकल जाएंगे। क्लियर? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। क्लियर? अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस न्यू लेक्चर पे। कुछ भी डाउट या क्वेरी आती है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का नंबर मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूँ और ये वीडियो पे भी मैंने शेयर किया है। क्लियर? और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं आप न्यू वीडियो में न्यू सम के साथ। तब तक लिए बाय।